वहाँ पे भी ये वाटरफॉल है और वंस अगेन जो है गर्म पानी और ये जंगल। तो जंगल में ये लड़का चल रहा है और अभी जान नहीं छोड़ रहा, काफ़ी लंबा लेकर आ गया ये। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स और वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड रोड ट्रिप इन तुर्की। दोस्तों वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूं जहां मैंने पिछली वीडियो में छोड़ा था। होटल रूम है मेरा येलोवा के अंदर और आज हमारा फर्स्ट डे है इस ट्रिप का। तो इस वीडियो में क्या करने वाले हैं हम लोग कि मैं आपको ये अपने होटल रूम का जो है टूर करवाऊँगा और होटल के अंदर जो फैसिलिटीज़ ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसका भी टूर करवाएंगे। पर ये इलाका थोड़ा सा देखेंगे और फिर जो है ना थोड़ा सा थर्मल वाटर जिसके लिए ये जगह मशहूर है, थर्मल वाटर वो जो चश्मे होते हैं ना, गर्म चश्मे होते हैं जो नेचुरली पानी आता है उसके लिए ये इलाका मशहूर है। तो आज भी हम देखेंगे और फिर कल भी देखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर दो दिन है। और ये होटल जो है इसकी फैसिलिटीज़ को अगर देखा जाए तो ये 4-स्टार होटल लग रहा है। ये जो रूम है इसका मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसकी प्राइस जो है 250 लीरा है जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4,800 या 5,000 बनेंगे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों शामिल हैं, ठीक है। तो अगर डिनर और ब्रेकफास्ट में शामिल ना करता तो फिर शायद थोड़ा सा कम में मिल जाता, लेकिन मैंने कहा चलिए ठीक है ये इंक्लूड कर देते हैं और टेस्ट करते हैं कि कैसा है। आपको दिखाऊँगा, इनका नाश्ता भी दिखाऊँगा और जो डिनर है वो भी दिखाऊँगा। और येलोवा मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि रोड ट्रिप मैंने यहाँ से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि एक तो बड़े खूबसूरत मरी टाइप एरिया है ये वाला, और फिर ये काला जो गर्म पानी है चश्मे का ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और उसके अलावा बुरसा मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ, आप ये वीडियो देख सकते हैं, तो मैंने कहा उसको स्किप करना है तो मैं इसलिए डायरेक्ट येलोवा आया। तो यहाँ से मैं एक और शहर जाऊँगा जो कि बाद में आपको पता चल जाएगा। मैं ये जो समंदर के साथ साथ सिटीज़ है ये सारे कवर करना चाहता हूँ, लेकिन जो पहले मैं कवर कर चुका हूँ तो उनको स्किप करूँगा, नए वाले शहर को एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है जी। शीशे लगे हुए हर तरफ और बड़ा ज़बरदस्त नरम जो है ना ये बेड है। तो वैसे ये दो बंदों के लिए है लेकिन फ़िलहाल मैं अकेले हूँ तो ये कि दो बंदे भी इसको यूज़ कर सकते हैं सेम प्राइस में, ठीक है। और फिर हमारे पास ये देखिए टीवी है इनका और यहाँ पे ये फ्रिज है, इसमें काफ़ी सारे ड्रिंक्स रखे हुए हैं। ये पानी की बोतल रखी हुई है, उसके अलावा ये चाय कॉफ़ी वगैरह फ्री है। ये देखो दो चेयर्स और टेबल है, वहाँ भी टेबल है, वहाँ भी टेबल है। और ये अलमारी है कपड़े वगैरह रखने के लिए। एंड देन वी हैव दिस व्यू विच इज़ अमेजिंग मैन। ये व्यू वाला कमरा है। तो ये बाहर छोटा सा जो है ना ये शहर है। अच्छा व्यूअर्स, ये हमारे होटल की लॉबी है, अभी यहाँ मैं आया हूँ और बहुत ही बड़ी जगह है। लॉबी में भी सेटिंग है, साथ में एक और बालकनी इन्होंने बनाई हुई है वहाँ पे भी सेटिंग है, और रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा है और मेरे ख्याल से बुफे सिस्टम है खाने पीने का, तो काफ़ी अच्छा ये होटल है। और साथ ही रेस्टोरेंट भी है तो बंदा जो है ना इसमें खाना पीना चाहे तो वो भी कर सकता है। ये नाम है सराय होटल एंड स्पा। तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ इस होटल का, इन केस कभी आपका येलोवा आना हुआ थर्मल वाटर की तरफ तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। बड़ा अच्छा होटल है, आप देख सकते हैं 5-6 फ्लोर्स हैं। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना भूल गया था वो ये कि इसमें हमाम जो तुर्किश हमाम होता है ना वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जितनी बार जाए आए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं तुर्किश हमाम। स्विमिंग पूल भी है और स्विमिंग पूल की ख़ास बात यह कि स्विमिंग पूल के अंदर जो पानी आ रहा है ना वो यहाँ का नेचुरल वाटर है, जो स्प्रिंग वाटर है वो आ रहा है और गर्म होता है, मतलब नॉर्मल गर्म होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। अभी मैं अपने होटल से ये बाहर आया हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं ना अभी भी सन सामने है तो काफ़ी जो है टाइम है अभी शाम होने में। तो ये इलाका है, छोटी छोटी दुकानें हैं और रेस्टोरेंट्स हैं, तो ये अभी आगे एक्सप्लोर करूँगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा ड्रोन का व्यू हम लेंगे ऊपर से कि ये इलाका कैसे दिखता है। तो
तो ये देखे, उसके बाद फिर आगे चलते हैं और स्प्रिंग वाटर भी देखने की कोशिश करते हैं आज ही की डेट में। अच्छा जी, ऊपर से बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है ये इलाका और काफ़ी बड़ा भी है। अभी ये छोटा सा बाज़ार है, काफ़ी नीचे तक जा रहा है तो बिल्कुल टूरिस्ट एरिया लग रहा है ये। और दुकानें हैं, खूबसूरत रेस्टोरेंट्स हैं, ग्रीनरी भी है, मौसम भी अच्छा है। तो वो लड़के से मैंने पूछा कि थर्मल वाटर यहाँ पे कहाँ है, तो उसने कहा कि रास्ता बताया है कि आगे जाना पड़ेगा, 5-6 मिनट वॉक है तो फिर नज़र आ जाएगा आपको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल थाईलैंड वाली फीलिंग आ रही है भाई यहाँ पे। ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे फ्रूट वगैरह पड़ा हुआ है। बुने का दर ओनली रहा, ये 10 लीरा का है। और छोटी छोटी शॉप्स हैं, ये आंटी बेच रही है बिरतानी। ये बच्चे से मैंने पूछा है, वाटर का करीब ही है लेकिन कोई आइडिया नहीं हो रहा, तो इससे मैंने पूछा है, व्हाट इज योर नेम? मोहम्मद। मोहम्मद, ओके। तो ये बच्चा जो है ना अभी मेरे साथ चल रहा है कि मैं आपको दिखाता हूँ वाटर। यहीं पे है कहीं पे थर्मल वाटर, बल्कि बहुत ज़्यादा है। और अतातुर्क मेंशन भी है यहाँ पे, जो तुर्की का फाउंडर है अतातुर्क, तो उन्होंने यहाँ काफ़ी टाइम गुजारा है यलोवा के अंदर, स्पेशली ये थर्मल के एरिया में। और यहाँ पे ये स्प्रिंग वाटर की वजह से, जो कुदरती जो पानी यहाँ पे ना वो आता है गर्म वाला, तो उन्होंने एक छोटा सा यहाँ पे घर भी बनाया है, अभी वो म्यूज़ियम की तरह है, तो वो भी यहाँ पे है। और बहुत ज़बरदस्त एरिया है, अभी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। ये बच्चा मेरे साथ है, ये चलना शुरू हुआ है मेरे साथ। अच्छा जी, ये बच्चा लेकर आया है, ये एक वो है
आप देख सकते हैं चश्मा है जो पानी मैंने आपको बोला था ना, तो गर्म पानी आ रहा होता है और नेचुरली है, लेकिन इन लोगों ने ये चीज़ बना दी है यहाँ पे। अभी ये पानी जो है ना इस टाइम बहुत गर्म है, ये आप अगर हाथ लगाते हैं, और अभी इस लड़के ने बताया है कि ये पेट के लिए अच्छा होता है, आप पी भी सकते हैं, तो दिन में एक गिलास पीना चाहिए तो पेट की बीमारियाँ इससे ख़त्म हो जाती है। तो ये जगह जगह पर इस तरह के वो बने हुए यहाँ पे नल के है, हुकूमत ने लगाए हैं, तो लोग आके इससे अपना बोतलें भरते हैं और ये भी पी भी सकते हैं। और इसी की यहाँ पे जो है ना स्विमिंग पूल्स वगैरह भी बनी हुई है, हमारे होटल में भी बनी हुई है और बाकी इलाकों में भी बनी हुई है, मतलब चारों तरफ। Bu gördüğünüz beyaz şey yapı Atatürk Köşkü oluyor abi. Hı hı. Bu Atatürk Köşkü, Atatürk Köşkü'nde Atatürk'ün kaldığı oda var, personel odası. Onun manevi kızlarının odası. Hı hı. Hepsi burada bulunuyor. Hem zaten geçtiğimizde rehber rehber bey hepimize anlatacak. Allah gibi buyur gücü de soy. Bu da zedir mazdar de. अतातुर्क मेंशन। और जंगल है भाई, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन लड़की की बात समझ नहीं आ रही कि क्या कह रहा है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये है जी अतातुर्क पवेलियन म्यूज़ियम, और बहुत तारीखी जगह है, अभी बंद है, टाइम थोड़ा सा आउट हो गया है, लेकिन ये तारीखी जगह है, इस पे अतातुर्क ने यहाँ पे स्टे किया था और उनका काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे उनकी पड़ी हुई है। Kendisi kızları ve kendisi kalmıştır burada. Şimdi abi ben girdiğimde rehber bey çok anlattı. Kızların odası bulunur, personel odası, yemek yediği masa, giydiği terlikler hepsi bulunur. आला समझ तो नहीं है क्या बोला इसने, लेकिन अंदाज़े बयान बहुत ज़बरदस्त है। व्हाट इज दिस निदर बू निदर चश्मे चश्मे एक और चश्मा भाई, ये देखिए ये एक और वन मोर चश्मा हॉट स्प्रिंग। ये जो पानी है ना ये भी कुदरती तौर पे निकलता है, गर्म है, इन्होंने इस तरह की जो है ना ये बनाए हैं, अब क्या बोलेंगे इसको, फुहारे बोलेंगे, जिसमें पानी इन्होंने जो है ना ये उठ के आ रहा है, तो लोग इससे पीते भी हैं और लेकर भी जाते हैं। Bahçede de bulunur. Şimdi abi bunu nereden keserseniz kesin aynı bir şekilde kalır. Mesela bir dal kesip bahçeye ekebiliyorsunuz. Hı hı. Tabii de guru zalim bachiya. Pardon abi yanlış gelin geldi. Hı, غلط شو راستہ غلط ہو گیا اس سے. अदिनिस ने मोमर ये मोमर बच्चा जो मेरे साथ हुआ है ना, इसने तो मेरा दिमाग ख़राब कर दिया, जो थोड़ी बहुत मुझे तुर्किश आती थी वो मैं भूल गया हूँ, क्योंकि ये इतना तेज़ बोल रहा है और एक लफ्ज़ इंग्लिश के नहीं बोल रहा, सारा तुर्किश बोल रहा है, और मेरा गाइड बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन समझ ही नहीं आ रही, तो कैसे मतलब यहाँ की तुर्किश बहुत ज़्यादा फास्ट है इस्तांबुल से। Abi burası da sıcak suların yani termal şifalı suların kullanıldığı bir hamam oluyor. Hı-hı. Yani bunun gibi buralarda hamam var. Bayağı var. Gelin. Abi burada yapılmış en büyük hamam oluyor galiba. Daha büyük yazıları önceye ait. Aça. Evet, buralarda yazılmış güzel şeyler bulunur. Ye bade bade hamam hai. Lekin ye free nahi hai. Paise dene padenge. फिर जाके ये हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे होटल में तो फ्री है, हम वहाँ लेंगे। यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स भी है, आप देख सकते हैं ट्रेडिशनल क्लॉथ वगैरह यहाँ पे बिक रही है, और ये एक गाड़ी है जिसमें आई थिंक टूर भी कर सकते हैं। İyileşmesine yoksa olmamasına sağlıyor. Şimdi göz suyu var bir de. Gözünüzde leke, kan toplanması,
göz şeyi ağrısı. Mesela gözünüzde hafif bulanıklaşma oldu. Buraya gelip koyabiliyorsunuz. Gelin. Şimdi göz suyu bu. Göze faydaları vardır. Çok güzel. Su sıcaktır. Sıcak olduğu için zaten faydası var. ये अभी हम लोग जो है ना यहाँ पे नीचे जा रहे हैं. ये छोटा सा जो है ना पानी का नहर है, चश्मों का नहर आप कह सकते हैं इसको. यहाँ भी है, ये देखिए पानी यहाँ भी आ रहा है और बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत गर्म है ये पानी. ये देखो स्टीम स्टीम उठ रहा है इससे, स्टीम. ये पानी भी गर्म है, ठीक है. ये इसका पूरा चश्मा आ रहा है उधर से. ये देखिए इस पानी से ना गर्माइश आ रही है, ठीक है. हाँ हाँ, ये सारा पानी जो है ना ये गर्म चश्मे का पानी है. और यहाँ पे आगे जो है ना मैं देख सकता हूँ पानी से जो है ना वो जा रहा है, ये स्टीम स्टीम उठ रहा है, स्टीम उठ रहा है यहाँ पे. इन्होंने जो पुआरे लगाए हैं और फिल्टर्स लगाए हैं तो वहाँ पे लोग जो है ना पी भी सकते हैं. और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ ये ड्रोन भी है. लेकिन हाँ, काफ़ी गर्म है ये पानी भाई, काफ़ी गर्म है. अच्छा, और इस गर्म पानी में लोग यहाँ पे नहा भी रहे हैं. तो मैं तो अपने होटल में नहाऊँगा क्योंकि वो भी जो है ना स्प्रिंग वाटर है और डायरेक्टली आ रहा है हमारे स्विमिंग पूल में, जो होटल का स्विमिंग पूल है. यहाँ पे ज्यादा गर्म है कह रहा है. ये आ रहा है देखिए यहाँ से, बहुत जबरदस्त टीम है और बहुत नाइस. मतलब यहाँ पे आप ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई मसला नहीं है. तो मज़ा आ रहा है. और ये लड़की के एक लफ्ज़ अभी मुझे समझ आया, इतनी तेज़ी से इसने इंग्लिश बोली है लेकिन एक लफ्ज़ जो है ना यवश यवश यानी स्लो स्लो, ये लफ्ज़ इसका मुझे समझ आया है. और ये दीवार है, इस पर लोग अपने सिग्नेचर करते हैं. सारे लोग जो दुनिया के जितने भी आशिक हैं ना वो सब ने यहाँ पे आके अपना जो है नाम लिखा है और अपना सिग्नेचर किया है या अपने पार्टनर का नाम लिखा है. Diğer ağaçlarına da faydalı. Gel atla. Bu arsındaki oyuklar yılan yani bu hayvanların kolayca girebileceği oyuklar. Acha, ye bol rahe hain hayvan bhi hain ha. Mesela yürüyen köşk, baraj mesela. Trenle gezdiğimizde her yeri göreceğiz abi yani. Bizim ayağımıza kadar gelir. Şöyle bir şey geliyor. वहाँ पे भी ये वाटरफॉल है और वंस अगेन जो है गर्म पानी और ये जंगल. तो जंगल में ये लड़का चल रहा है और अभी जान नहीं छोड़ रहा, काफ़ी लंबा लेकर आ गया ये. और जगह जगह पे ये पानी आप देख सकते हैं. जी जी, जी जी, ये देखिए जी. सिजक सू बहुत सिजक सोक, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं यार. जहाँ जैसे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग ना तो और जो है ना खूबसूरती आ रही है. अब ये टोटली एक जंगल के अंदर हम हैं, ठीक है. आप देख सकते हैं यहाँ पे और काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ पे आए हुए हैं. बहुत जगह है यहाँ पे घूमने की, हाइकिंग की ट्रैक्स बहुत ज़्यादा है, चश्मे बहुत ज़्यादा है, वाटरफॉल्स है छोटे छोटे. तो ये बच्चे को बहुत जगह का पता है, बहुत जगह ये लेकर गया है. लेकिन बस ज़ुबान का थोड़ा सा मसला था. लेकिन एनी वेज हमने बहुत कुछ देख लिया और जंगल तो सारा जंगल ही है ना, आपने ऊपर से देख लिया ऑलरेडी. तो अगर एक दो दिन के लिए आराम से बंदा ये पूरा इलाका जो है घूम सकता है, कोई कमी नहीं है. और टूरिस्ट भी काफ़ी सारे हैं, मैंने देखे हैं. ज़्यादातर रशियन और अरबिक टूरिस्ट है यहाँ पे.
फाइनली व्यूअर्स, मैं अपने रूम में वापस आ गया हूँ। बेसिकली मेरे कैमरे में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी, तो वो जो लड़का था ना, जो मेरा दोस्त बन गया था, छोटा बच्चा, तो बहुत ही नाइस था, बहुत मालूमात थी उसके पास और बहुत स्मार्ट बच्चा था। लेकिन एक उसकी कमज़ोरी थी कि उसको इंग्लिश नहीं आती थी। अगर इंग्लिश आती तो आपको भी समझ आ जाता और मुझे भी आ जाता और बहुत मज़ा आ जाता। लेकिन एनीवेज, काफ़ी घूमने के बाद मैं आया हूँ और एंड में जो है ना, वहाँ पे ट्रेन भी चलती है छोटी सी, सिर्फ 2 रुपये उसका टिकट है और पूरा आपको घुमाती है पूरा इलाका। तो अभी ये मुझे पता चला है, अभी भी हालांकि शाम नहीं हुई है, 2 घंटे अभी भी बाकी है, लेकिन काफ़ी तक गए घूमे फिरे। ये एरिया बिल्कुल मरी जैसा है, आप समझो इसको दूसरा मरी समझ दो, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट ज़्यादा है, फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा है यहाँ पे करने के लिए। और गर्म चश्मों के हवाले से मुझे जो आइडिया हुआ है अभी तक जो मैं घूमा हूँ, कि यहाँ पे गर्म चश्मे तो बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पे बने हुए, और हुकूमत ने उनको बड़ा डेवलप भी किया है। लेकिन ये कि अक्सर जगह पे हमने देखा है कि कुछ पानी आँखों के लिए अच्छा होता है, कुछ पीने के लिए अच्छा है, कुछ नहाने के लिए अच्छा है, और बहुत सारे बीमारियों का इलाज भी इसके अंदर है। तो ये चीज़ अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती है तो येलो वा जो है आपके लिए हाजिर है। अभी आज के दिन में फाइनली जो है अभी मैं जाऊंगा, खाना खाऊंगा, क्योंकि इसी रूम में इंक्लूडेड है, वो भी आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद इस व्लॉग को वाइंड अप करेंगे। कल से एक नई व्लॉग से फिर शुरुआत करेंगे, तो खाने की तरफ चलते हैं। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। अच्छा व्यूअर्स, मैं अभी रेस्टोरेंट में आ गया हूँ, तो यहाँ पे बस खाना खा के ये वाइंड अप कर रहा हूँ इस व्लॉग को। वो जो बच्चा आया था मेरे साथ, वो तो मुझे उनकी जो वो है नानी है, उन्होंने भेजा था, बड़े अच्छे लोग हैं, उन्होंने कहा जाओ इसको दिखाओ, लेकिन उसको मैंने टिप दी है एंड में जाके ना। तो अभी जो होटल के अंदर ये जो लोग दे रहे हैं ना डिनर, तो इसमें आज चिकन है और पास्ता है, बाकी लोग सैलड वगैरह और रोटी वगैरह भी देते हैं, और ड्रिंक पीने के वो भी देते हैं। तो नॉर्मल सा होता है, लेकिन अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, अभी मैंने चेक किया है, ठीक है। तो ये डिनर भी इनका अच्छा है और सारा एक्सपीरियंस सही किया है। और वैसे जो है आज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना अच्छा दिन गुजरेगा, लेकिन बहुत अच्छा दिन गुजरा है, और एक ही दिन में 2 वीडियोस भी बन गई, तो बहुत बड़ी बात है। तो वंस अगेन आपको कह रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ताकि आपको सारे स्टोरीज़ का पता चले इस ट्रिप का, जो तुर्की का रोड ट्रिप है। तो मिलता हूँ आपसे कल अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।